संगत जीओ वड्या पगा वाले तो सतगुरु पिता जी महाराज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता जी की निगे गोद अंदर जुड़ बैठे हो। आओ सब तो पहला साहबां की आशीष लईए। गजाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह प्रबंधकों ने हुक्म लाया, बाबा जी ने हुक्म लाया, उस अनुसार कुछ घड़िया शब्द विचारन की सांझ पाउणी है, क्योंकि पूरियां दी याद विच जुड़ बैठे हो। धन धन संत बाबा आनंद सिंह जी महापुरख कलेरां वाले, उन्हां तों वरसाए हुए धन धन संत बाबा ईश्वर सिंह जी नानक सर कलेरां वाले, जिन्हां महापुरखां दी पूरियां दी याद अंदर जुड़ बैठे हो। पातशाह बख्शिश करते ने पूरे है कौन। गुरु अंगद देव पातशाह का श्लोक आप जी ने सरवण करवाया है, सेई पूरे सा जिन्नी पूरा पाया। क्यों पूरे है कौन, किन्हां नूं पूरे आख्या जाए।
पातशाह आखते ने जिन्हां ने उस पूरे नूं पा लिया। इस तू थले गल नहीं, जिन्हां ने उस पूरे नूं पा लिया उही पूरे इस संसार दे उत्ते ने। सही पूरे शाह जिन्नी पूरा पाया। समय समय ते कई अवतार इस धरती ते आए, सतयुग दे विच आए, त्रेते च श्री राम आए, द्वापर दे विच श्री कृष्ण आए। हुण उन्हां दे ग्रंथ पढ़ के देख लईए, उन्हां नूं पूरे नहीं आखिया। कोई 14 कलां दे विच पूरा है, कोई 16 कलां दे विच पूरा है। भाव की 14 कला संपूर्ण तो भाव के यह 14 कला दे विच इस जैसा दूसरा कोई नहीं होएगा। 16 कला का भाव के 16 कला दे विच इस जैसा कोई दूसरा नहीं होएगा। यह 16 कला दे विच पूरा है, यह 14 कला दे विच पूरा है। इन्हां दे विच इन्हां दा कोई दूसरा सानी नहीं। बचन तुरिया के पूरे कौन ने। 14 कला हो जानियां बहुत वड्डी गल है। सारी जिंदगी लग के भी मनुख एक गुण दे विच पूरा नहीं हो सकता। 14 कला दा मालक है ते जहर इहनू अवतार कहना पवेगा। 16 कला दे विच पूरा जहर जी गल है कि इहनू अवतार मनना पवेगा, मनना पवेगा। 14 कला दे विच जिहड़ा पूरा है, ये भी ध्यान देना, वचन सुन लेना। 14-16 कला दे विच जिहड़ा पूरा है, ये पूरे दा भुलेखा पा देवेगा। पर पूरे है कौन जिन्हां ने पूरे नूं पा लिया। चलो ऐसी विचार आरंभ करा। पूरा उही हो सकता है जिहड़ा पूर्ण तौर ते खाली हो गया, दूसरा पूरा नहीं हो सकता। पूरा उही है जो पूर्ण तौर दे उते खाली हो गया। ध्यान देना, पूरे होने नूं समा नहीं लगता, समा लगता पूरे खाली होने नूं लगता। मैं कबीर साहब जी का एक श्लोक पढ़िया, बड़ा हैरान होया। आप जी दे सन्मुख रख दे। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए तैसे बात ना पूछी, कब सारी जिंदगी मैं सिमरन दे विच अपने आप नूं ला छड्डिया। ऐसा बरीक अपने आप नूं इन्हां पुड़ां दे विच पीसिया, कहिंदे पीस पीस के मैं इतना बरीक हो गया। कितना बरीक? कहिंदे जितना मेहंदी दा इक कण हुंदा है ना, मेहंदी दा इक दाणा हुंदा है। कहिंदे सारी जिंदगी पीस पीस के मैं अपने आप नूं इक मेहंदी दे कण जिद्दां कर लिया, इन्ना मैं बरीक हो गया, इतना सूखम हो गया। कहिंदे सोचदा सी रब आएगा ना ते गल वकड़ी च लैके मिलेगा कबीर धरने तों। कहिंदे इतनी मैं कमाई कीती, क्योंकि महापुरखां दी कबीरता पूरे सन। महापुरखां दी एक सुभाव हुंदा है कि प्रथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाना। वो जिहड़ी भी गल करदे ना वो अपने तर लै के करदे। तो कबीर साहब आखदे मैं इतना को बरीक हो गया, मन दे विच कहिंदे इन्ना चा होए कि किते रब मिलेगा ते गल वकड़ी च लैके मिलेगा। कबीर तू धन कबीर धन कबीर, इन्ना बरीक हो गया तू, इतना सूखम हो गया। कहिंदे जदों मिलिया मेरी हैरानगी दी हद ना लई। कहिंदे
ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੰਗੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਵਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ। ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮ ਪੰਥ ਤੇ ਜੋ ਪਾਂਧੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੰਥ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਵ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ। ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਫੁੱਟ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਭਗਤਾ ਤੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਜੋੜ ਬੈਠਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੇ ਸੇਤੀ ਠੱਗ ਰਲ ਆਇਆ ਸਾਥ ਪੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਣਾ ਤੇ ਭਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ। ਹੁਣ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ
गुरु अंगद देव पातशाह माता वैष्णो देवी ते जांदे रहे। कितने साल गुरु अमरदास पातशाह पिता जी महाराज हरिद्वार जांदे रहे इशनान करन वास्ते। तुरे ते इह वी सी जिज्ञासु सन, पर दूसरा पांदे खोज करनी, खोज करनी, खोज किहदी करनी? उस पूरे गुरु दी जिन्हें सानू जिहड़े राह ते लै के जाणा है ना। ध्यान देना, चौराहे दे विच किते साइनन बोर्ड ना लगे होण, सानू कोई राह दसन वाला ना होवे, ते घूम के फिर बंदा कई बारी उसे चौराहे ते आ जांदा है। इह गुरु साडा ओह मार्ग दर्शक है। उस गुरु की खोज करनी जिहड़ा सानू उत्थे ले जावे। महाराज भी आखदे ना, रहे ओ संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्या मुखो पंडित मिठे। ओ मिठियां मिठियां गलन वाले गल्लां करन वाले ते कहिंदे बड़े सन्यासी मिले, बड़े तपस्वी मिले, इत्थों तक मिले, कहिंदे 24 घंटियां दे विच तेरी समाधि लवा देंगे। इह ते गल लंबी चौड़ी। मैनूं ते ऐसे भी वीर मिले कहिंदे साडा गुरु ते इक बंद कमरे च लै जांदा है ते बस 5-7 मिंटां च सचखंड दे दर्शन हो जांदे। ऐसे भी मिले। ते गुरु भगत रविदास जी की बाणी पढ़ के देखी, वह कहिंदे मेरे ते जन्म लग गए, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कहते ऐसा नहीं सी कि रविदास जी पिछले जन्म च तुरे नहीं सी, पर खोज जेड़ी सी कहिंदे हुण समझ आई है कि की करना सी ते किवें करना सी। असीं ते समाधि वालियां दे पिछे ही तुरे फिरदे सां। ये तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गल है। वह असी तो कोई खीर चढ़ाने वाले पासे तुरे है तो कोई मांझी चढ़ाई जाता है। हुण मांझी चढ़ा के रब मिलने, इतों सौखी तो खेड ही कोई नहीं, होएगी सौखी खेड? ऐसा रब नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता। यह दूसरा पंध है, पड़ाव है, खोजी हो जाए। हुण तीसरा पड़ाव है जब खोज हो जाए ना, हुण पता तो लग गया सानू, साढ़े तो बड़ी बख्शिश है दस गुरु साहबान की, बड़ी बख्शिश है। असी मूर्ख होवांगे जी असी अजे भी भटकते रहिए। साढ़े तो बड़ी बख्शिश है कि सानू खोज करन की लोड़ नहीं, साढ़े कोल ते प्रतख धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी मौजूद ने, सानू खोज की लोड़ नहीं। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जोड़ देवे उहदी सेवा करो, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नाल जोड़ देवे वह पुरख धन ने, वह सतपुरश धन ने, वह महापुरख धन ने। जैसे बाबा नंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सारा जीवन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के नाल जोड़िया, वह धन ने। तीसरा पंथ आ जाता अगे भरोसे का। हुण जो खोज की है हुण उहदे ते भरोसा हो जाना। हुण ध्यान देना, जिस ते भरोसा हो जाए ना, इस भरोसे रूपी कुरुंबल नूं दो फुल लग जांदे ने। और जीवन दस दिंदा है कि इस मनुख दे जीवन विच दो फुल लगे ने, इन्हां तों पता लग जांदा कि कुरुंबल भरोसे दी है जां नहीं है। ओह फुल किहड़े ने? जिस हिरदे दे अंदर भरोसा होएगा उहदे अंदर संतोख रूपी फुल होएगा, ते दूसरा त्याग रूपी फुल। जो मिलिया नहीं मन के अंदर उसकी तृष्णा नहीं होएगी, ये संतोख है। जो मिल गया जो किसी ने मंग लिया तो मैं उन्हें गंडा बन के नहीं बेचांगा, मैं उनके वास्ते छड़ देवांगा, ये त्याग है। इस भरोसे रूपी करुंबल नूं ये दो फुल लगते हैं। और जो भरोसे की अवस्था से पहुंच गया, यह साडा भुलेख है। अक्सर असं कहने अरदासां बड़ियां कीतियां पूरियां नहीं होईयां। ध्यान देना, जिहदे अगे अरदास करदा पिया कि उहनूं मन के तू राजी है, हुण मन के तू राजी है, मंगी जावे तो गल मन्ने ना।
ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਟੇਜ ਸੰਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਸੰਤਨ ਅਮਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਚੌਥੇ ਪੜਾਓ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚੌਥੀ ਹੈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਕਿਸ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਾ, ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸੁਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਘਰੇ ਨੀ ਘਰਿਆ ਕਰ ਆਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲੈ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸ ਪਾਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ
मुर्दा होए मुरीद ना गली हो ना। कहते मुर्दा हो जावे एक गल्ला नाल कहते गल नहीं बननी ए मुर्दा होया खेड़ बन। मैं एक छोटी जी साजी सुना के समाप्ति वाल वधा क्योंकि महापुरख बाबा तेजा सिंह जी भी स्टेज पर विराजमान ने तो बाबा रविंदर सिंह जी जोनी जी भी पहुँच गए ने। एक पछम के महापुरख होया ये ना सी मारा संत मारा करके इनू कहते सन मिसर के होया। एक सेवक आया तो संत जी नू कहन लगा संत जी एक खेड रब की किवें बनती है। असा तो बड़े जतन किए शरीर से सुभा भी मल रही धूने भी तपा ले पुठे भी लटक लिया पर कहते एक खेड धर्म की बनती किवें है। कहते तो संत महाराज जी वो एक उत्थे कबर सी लागे उत्थे बैठे हुए सन तो कहने लगे उस भगत नू कहिंदे सिंघा भगता क्योंकि उन्हें जवान दे उत्ते लफ्ज सिंह ही चढ़िया है तो कहने लगे भगता जा उस कबर दे कोल जा ते उन्हों रज के गाना कढ़ कहिंदे। वो कबर ते चला गया हुण गाना कढ़न ते असीं बड़े शेर हुंदे हां सानू कोई कह देवे ना कह वाहिगुरू तो जड़े अगे अगे बैठे होंगे मजबूरी के बोलना पैंता कि बाबा मुड़ के गल ना ला दे पिछले चुप तो जे कोई कह दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय की साखी आती ना चोले के उत्ते एक चिक्कड़ का मिस्त्री कोलों डिग पिया सी ते गुरु साहब कहते कि ये एक धप्पा मारो तो जिनी संगत बैठी सी गुरु का उगमे जी सारिया ने कुट कुट के मिस्त्री अद मोआ कर दिता। तो जदों गुरु साहब कहन लगे कहिंदे सिंघा सी ते एक धप्पे की गल की सी तुसी ते विचारे नूं अद मुआ कर दिता। ते गुरु साहब कहिंदे पातशाह तुहाडा हुकम सी कहिंदे चंगा फिर उहने इस मिस्त्री नूं अपनी धी दिओ। हुण एक भी नहीं उठिया हुण एक भी नहीं उठिया। खैर मैं अपने विषय ते आवां उह गाला कढ़िया उहने रज के गाला कढ़िया ते गाला कढ़ के वापस आ गया संत जी दे कोल कहिंदे अच्छा फिर कट आया गाला कहिंदे जी जो मूँह आया मैं बोल आया। तो कहिंदे फिर वो अगू बोलिया उन्हें की किया कहिंदे वो तो जिदा पहला लेटिया जी उदा ही लेटिया रहे कबर ते कोई हलचल नहीं हुई। कहिंदे अच्छा कहिंदे चंगा फिर कहिंदे कल आवीं। अगले दिन वो भगत फिर आ गया क्योंकि मैं चौथे पड़ा की गल कर रहा जिथे आत्म समर्पण। वो अगले दिन भगत फिर आ गया जो आया कहते संत जी हुकम कहते जा अज रज के ओरी सिफत करके आ। पर औखा तो बड़ा सी सिफत करनी बड़ी औखी है। याद रखियो जी मनुख की सारी शक्ति लग जाती है एक छोटी जी सिफत करन लगे कमाई जिनी क हुण महाराज आखदे ना कि जे सिफत गुरु नानक दी करोगे तो सिफती सच समेओ सिफती दे भंडार हो जावोगे। तो पर सिफत करदा केड़ा करदे ते निंदिया चुगली तो फिर हुण सिफत थोड़ी जी भी करन लग्या हुण कमाई उन्नी क ते उस सारा जोर लग जाता है ते निंदिया जिनी मर्जी करा लवो कमाई बड़ी है निंदिया दी। हुण औखा ते बड़ा सी पर फिर भी हिम्मत करके ना चला गया। हुण सिफत दे दो चार शब्द आंदे सी उत्थे बोले कबर ते खड़ के बोल के आ गया। महापुरख आखदे कहिंदे कर रहे हैं सिफत कहिंदे संत जी कर रहे हैं ते कहिंदे फिर मुर्दे ने तैनू कुछ आखिया कहिंदे महाराज ओहदी ते खेड ए सी वड्डा ना हो काट ना जाए तू चंगा कह लो उन्हें वड्डा नहीं हो जाना
कोई फर्क नहीं पिया। कहते फिर गल याद रखी, अज तो इस धर्म के रस्ते ते तुरना ते तेरी जिन्नी मर्जी कोई लत खिंच लवे ओनू भी ऐसा प्रेम करना। फरीदा जे ते मारन मुक्तिया तिना न मारी कुम आप नड़े कर जाए के पैर तिना दे चुम। असी फरीद का यह वचन तो याद नहीं रखे, असी तो एको ही पले नाल बन्ने हैं कि असी तो सरहद की इट नाल इट खड़का दे। बाबे बंदा सिंह बहादुर नूं हुकम सी खड़कान दा, असी खड़कान जोगे होए नहीं, सानूं उगमे पैर चुम्मने। यह भी वचन याद रखियो, इट नाल इट खड़कान दा उहनूं हुकम है जिहड़ा पैर चुम्मण की ताकत रखता होवे। इहदे तों अगे नहीं, ये आत्म समर्पण है जिथे रहिंदा ही कुछ नहीं। विषय तो यह सी कि आत्म समर्पण की कथा करनी, पर जिहड़ियां घड़ी दियां सोईयां है इन्हां दी रफ्तार ना मठी पैंदी है ना तेज होंदी, यह मुक जांदियां जल्दी। इशारा हो गया है, वैसे समां भी कोई खुला ही बख्शे है। तो धन्यवाद, संगतां ने बड़े टिकाओ दे विच सुने है। हुण महापुरख स्टेज पर बैठे हो तो मैं बोलता चंगा भी नहीं लगता, सो इत समाप्ति है। महापुरख संत बाबा गिरजा सिंह जी बहुत बहुत इन्हों का धन्यवाद, इन्हों जी आया जी आया दास के पूरे परिवार वालों, प्रबंधक वीर का मेरे वे ताया जी बापू बूटा सिंह जी का धन्यवाद, वे वीर परमजीत सिंह विकर जी उन्होंने धन्यवाद जिन्होंने समा बख्शे, सारे महापुरख स्टेज पर बड़े विराजमान सारिया का ही धनवाद, कोटान कोट धनवाद संगतान का, कोटान कोट धनवाद। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता जी महाराज का, इतनी सेवा प्रवान करनी हुई भुला बख्श लैनिया, तो जो सेवा संगतान ने बख्शिश की है सत्कार दिता है इनू भाई हुक्म है प्रबंधकों के गुरु के लंगरों में ज जिथे भी इनू ठीक समझ उथे वरत लेना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन साडे अति सत्कारयोग डॉक्टर गुरप्रीत सिंह जी MBBS बतौर सेवा निभा रहे ने सरकारी हस्पताल, जिन्हों को आप जी ने कथा सरवण की है। देखिया लगे ना पता कथा, इस करके बाबा जी साढ़े